हरियाणा हिंसा पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी टीवी 9 भारतवर्ष ने बात की। टीवी 9 ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने टीवी 9 से कहा, जब हिंसा का इनपुट था तो इंतजाम क्यों नहीं, ये सवाल उठाएं। वक्त रहते आरपीएफ की तैनाती क्यों नहीं हुई, मोनू मानेसर पर नजर क्यों नहीं रखी गई, सुरजेवाला ने ये तमाम सवाल उठाए टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में। हिंसा और हिंसा की जांच क्यों है सवालों के घेरे में। मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में पिछले 75 वर्षों में कभी भी धार्मिक दंगे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद पहले हरियाणा में जातीय दंगे हुए और अब एक साजिश के तहत धार्मिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। ये सीधे सीधे पॉलिटिकल फेलियर है चीफ मिनिस्टर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर का, पुलिस और इंटेलिजेंस फेलियर भी है। क्लियर कट रिपोर्ट थी सोनू मानेसर, जो इस बात के लिए कुख्यात है, बदनाम है कि वो इस प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो इसका हिस्सा होगा। बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इनपुट्स थे कि इस प्रकार का हादसा हो सकता है, उसके बावजूद भी उचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए। और जब हिंसा का अंदेशा था तो रैपिड एक्शन फोर्स जो वहाँ से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है वो क्यों नहीं बुलाई गई। एसपी नू उस समय छुट्टी पर थे तो आपने रेगुलर एसपी को वहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सब जानते थे कि इस प्रकार के मामले में हिंसा हो सकती है। और जब हिंसा हो रही थी तो सरकार और प्रशासन आंख मूंदे क्यों बैठा था। मुख्यमंत्री राजधर्म कब निभाएंगे, हाथ पर हाथ धरे रखने से काम नहीं चलेगा। इस बीच अगर ये सब कुछ प्लान्ड था, साजिश के तहत ऐसा किया गया, तो भी कैसे ये मौका मिल गया कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। यानी सर, ईंट पत्थर इकट्ठे कर लिए गए, जगह जगह सड़कों पर आगजनी की गई, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर पोजीशनिंग तक ले ली गई, और क्योंकि ये कई किलोमीटर में पूरा लंबा एरिया आता है, उसके तहत एक एक कर ज्यादातर जिले इसकी चपेट में भी आ गए। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये एक साजिश के तहत हुआ। उस साजिश में दोनों पक्ष इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने पहले दिन से ये कहा, कल भी ये कहा, जो दंगई हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पर महत्वपूर्ण बात यह है, जब सोनू मानेसर जैसा कुख्यात बदमाश इसका हिस्सा था तो आपको जानना चाहिए था कि कुछ ना कुछ होगा। और दूसरी तरफ अगर पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, क्या खट्टर साहब सोए पड़े थे। कह रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, पोस्ट फैक्टो एक्शन का क्या लाभ है, आज भी कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को खुद यहां आकर बैठना चाहिए। मैं इसके दो पहलू देखता हूं, एक पहलू है जो दंगा हुआ, धार्मिक उन्माद हुआ, दूसरा पहलू है हरियाणा की छवि को, खास तौर से गुड़गांव की एक शांति प्रिय सिटी और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर छवि को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री स्वयं आगे आकर पूरी स्थिति को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते, क्यों वो अधिकारियों के हाथ सब कुछ छोड़ देते हैं हर बार जब हरियाणा के अंदर कोई समस्या होती है, क्यों राजनीतिक नेतृत्व गायब हो जाता है, क्यों ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी जिम्मेवारी से बचकर पतली गली से भाग जाती है, क्यों ऐसा होता है कि जो लोग सत्ता में हैं भाजपा जजपा के, जो वोट लेकर बने थे, वो पल्ला झाड़कर कहीं और गुम हो जाते हैं और पूरा मामला पुलिस या अफसरों के हवाले कर चले जाते हैं। पुलिस और अफसर तो पीस कमेटी कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, पर राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा है, राजधर्म कब निभाएंगे।